हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपशिखा, योर इंग्लिश टीचर. आई वेलकम यू इन द लर्निंग सेशन फ्रॉम सन वैली स्कूल. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, दैट इज ईद का फेस्टिवल ऑफ ईद. दिस स्टोरी इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, एंड प्रेमचंद वॉज अ बेटर नोन राइटर ऑफ हिंदी लैंग्वेज. ओके, स्टोरी के आथर है प्रेमचंद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द आथर नोट. प्रेमचंद बेटर नोन एज मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद जी को हम मुंशी प्रेमचंद के नेम से जानते हैं, वॉज नॉट जस्ट एज अ ग्रेट राइटर बट ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर. वह एक राइटर ही नहीं थे, एक महान राइटर ही नहीं थे, बल्कि वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे. सोशल मीन्स सामाजिक, रिफॉर्मर मीन्स होता है समाज सुधारक. वह एक अच्छे समाज सुधारक थे एंड ऑल्सो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर. फ्रीडम फाइटर मीन स्वतंत्रता सेनानी थे. क्यों? इनकी जो रचनाएं होती थी, इनकी जो इनकी कहानियां जो होती थी, वो एक तरीके से क्रांतिकारी होती थी, जो कि लोगों के मन में, सुनने वालों के मन में और पढ़ने वालों के मन में एक तरीके से एक चिंगारी उत्पन्न करती थी अपनी मातृभूमि के लिए. तो इस वजह से इनको हम फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं. He was born on 31st July 1880 in a small village near Varanasi. इनका बॉर्न हुआ था 31st जुलाई को 1880 में एक छोटे से गांव में, वाराणसी के नज़दीक एक छोटे से गांव में. To a large and well-to-do family. इनकी फैमिली कैसी थी? एक बड़ी फैमिली और well-to-do, मतलब कह सकते हैं एक अच्छे घराने से थे ये. His real name was धनपत राय श्रीवास्तव. इनका रियल नेम क्या था? वास्तविक नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था. ही हैज़ रिटन मोर देन अ डजन नॉवेल्स. नॉवेल मीन्स उपन्यास. इन्होंने लगभग दर्जनों नॉवेल से भी ज़्यादा नॉवेल लिखा है. एंड अराउंड 250 शॉर्ट स्टोरीज, सेवरल एसेज एंड ट्रांसलेटेड अ नंबर ऑफ फॉरेन लिटरेरी वर्क्स इन टू हिंदी. कई सारी शॉर्ट स्टोरी इन्होंने लगभग 250 इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियाँ लिखी हैं. कई सारे एसेज भी इन्होंने लिखे हैं और यहाँ तक कि इन्होंने कई सारे फॉरेन लैंग्वेज में लिखी हुई जो रचनाएं हैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है. ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदुस्तानी राइटर ऑफ अर्ली 20th century. और ये 20वीं सदी के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड, मतलब पॉपुलर हिंदुस्तानी राइटर के नाम से इनको हम जानते हैं. एंड ही इज़ रिफर्ड टू एज उपन्यास सम्राट. हिंदी लैंग्वेज में उनको उपन्यास सम्राट का एक टाइटल दिया गया है. सम्राट कह सकते हैं रूरल, मतलब उपन्यास इनके इतने अच्छे होते थे, इनको राजा के जैसा सम्मान मिला है इस क्षेत्र में. एंड द स्टोरी ईद का, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, द स्टोरी ईद का फेस्टिवल ऑफ ईद, ये स्टोरी जो है वो ईद के फेस्टिवल पर है. इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी. हिंदी से इसका ट्रांसलेट किया है एक नोटेड, एक जाने माने राइटर खुशवंत सिंह ने. इनकी इस कहानी का जो कि हिंदी में है, इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया है खुशवंत सिंह के द्वारा. और इस स्टोरी में जो है ईदगाह की फेस्टिवल पर है और इसमें हामिद नाम का एक बच्चा है, किस तरीके से एक्साइटेड है, जो कि पुअर बॉय है, अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है, वो कैसे ईदगाह में जाता है और वो क्या ख़रीदता है, अभी स्टोरी में हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दैट स्टोरी. हम स्टोरी पे आते हैं. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट हामिद. स्टोरी है हामिद की, हु न्यू एग्जैक्टली व्हाट टू डू विद हिज मनी. मींस उसको पैसे मिले हैं ईदगाह, मतलब मेले में जाने के लिए, और उसे ये पता है कि उसे अपने पैसों का क्या करना है, उस पैसों से क्या खरीदना है. हम सभी देखते हैं कि ना, बच्चों के माइंड में कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कभी भी कोई फेस्टिवल हो या कोई फेयर में जाना हो, तो किस तरीके से वो अपने पैसे कलेक्ट करके पहले से रखते हैं और इनकी कितनी सारी विशेज होती है कि सारी विशेज वो पूरी करेंगे, उस फेयर में जाकर ये खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे. तो ऐसे ही हामिद के साथ भी है. आगे हम देखते हैं, स्टोरी जो है स्टार्ट होती है सीन से, जो कि सीन है फेस्टिवल का. हर कोई एक्साइटेड है ईद का फेस्टिवल मनाने के लिए, जिसका बहुत दिन से लोग वेट कर रहे हैं. अ फुल 30 डेज आफ्टर रमजान कम्स ईद, मतलब
ईद कब आता है, एक महीने का पूरा 30 डेज का एक फास्ट होता है लोग रखते हैं, इसके बाद एक महीने रमज़ान के बाद ईद आता है। हाउ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल इज़ द मॉर्निंग ऑफ ईद, ईद जो की जो सुबह होती है कितना आश्चर्यचकित करने कर देने वाला, कितना ब्यूटीफुल सुबह होती है। मीन्स कोई चीज़ जिसका हम लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हों, जब वो दिन आता है तो उसकी जो सुबह होती है, उस दिन की जो सुबह होती है कितनी खूबसूरत होती है। एंड द ट्रीज लुक्स ग्रीनर एंड द फील्ड मोर फेस्टिव, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है हवाओं में भी कि पूरे जो प्लांट्स हैं वो हरे दिख रहे हैं, एंड जो फील्ड है, जो खेत है, वो फेस्टिव मूड में है, उत्सवी माहौल है। द स्काई हैज़ लवली पिंक ग्लो, स्काई में भी मतलब सन साइन हो चुका है और सन रेज जो कि अपनी जो किरणें हैं वो फैला रखी हैं और पिंक ग्लो झलक रहा है। लुक एट द सन, सन की तरफ देखो, इट कम्स अप ब्राइटर एंड मोर डैजलिंग देन बिफोर टू विश द वर्ल्ड अ वेरी हैप्पी एज। द आथर इज सेइंग दैट लुक एट द सन, सन की तरफ देखो, ये और भी नज़दीक, जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है, मीन्स जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे दोपहर होने को है, तो ये और भी ज़्यादा ब्राइटर, और भी ज़्यादा चमकीला दिखता है और ऐसा लगता है कि पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व की सारी इच्छाएँ जो है वो पूरी हो चुकी हैं। द विलेज इज एगोव विद एक्साइटमेंट, गांव का माहौल, ये गांव की सीन दिखाई गई है। एगोव मीन्स होता है इंथजियम्स, उत्साह, पूरे गांव में लोगों का जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे है। एवरीवन इज अप अर्ली टू गो टू द ईदगाह, हर कोई जल्दी उठ गया है, क्यों, सभी को ईदगाह में जाना है, ईदगाह मतलब मॉस्क, मस्जिद में जाना है, क्योंकि अब यहाँ पे ईद शुरू होने के पहले लोग क्या करते हैं, वो मस्जिद में जाकर प्रे करते हैं। ईद जो है वो मुस्लिम का त्यौहार है, जिस तरीके से और भी त्यौहार हम मनाते हैं, कोई भी फेस्टिवल हो हम सभी कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ऐसे ही ये फेस्टिवल भी है, सभी को ईदगाह में जाना है, इस वजह से सभी जल्दी उठ गए हैं। वन फाइंड्स अ बटन, अब यहाँ पे सीन दिखाया गया कैसे लोग बिजी हैं। वन फाइन बटन मिसिंग फ्रॉम हिज शर्ट, मतलब कि कोई किसी की शर्ट का बटन टूट गया है तो वो अपना बटन ढूंढ रहा है। एंड हरिंग टू हिज नेबरहुड हाउस फॉर थ्रेड एंड निडिल, सुई धागा नहीं मिल रहा है तो उसको ढूंढने के लिए वो अपने पड़ोस के घर गया है मांगने के लिए कि जल्दी से सिलाई कर ले। और दूसरे क्या है, अनदर फाइंड दैट द लेदर ऑफ हिज शू हैज़ बिकम हार्ड, मतलब किसी की सूच का जो लेदर है, जो फीता है, वो इतना ज़्यादा कड़ा बंद हो गया, वो खुल ही नहीं रहा है। मीन्स हर कोई एक्साइटमेंट में है, सभी को जल्दी है। एंड इज रनिंग टू द ऑयल प्रेसर फॉर ऑयल ग्रीज इट, जो तेल निकालने वाले जो तेली हैं उनको भी अपने काम की जल्दी है कि जल्दी से तेल निकाले, अपना काम ख़त्म करें, और क्योंकि ईदगाह जाना है ना। एंड दे आर डंपिंग फॉर दैट बिफोर देयर ऑक्सन, बिकॉज बाय द टाइम दे गेट बैक फ्रॉम द ईदगाह इट मे बी लेट आफ्टरनून, फिर वो जल्दी से अपने ऑक्सन को, बैलों को जल्दी से खिला पिला रहे हैं, जिससे कि वो जल्दी से उनको बांधे, क्योंकि ईदगाह से आने में बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि वहाँ पर टाइम लगेगा। इट इज़ अ गुड 3 miles फ्रॉम द विलेज, क्योंकि ईदगाह जो है वो गाँव से 3 miles पे दूर है, 3 miles दूर है। देयर विल आल्सो बी 100 ऑफ पीपल टू ग्रीट एंड चैट विद, और वहाँ पे लगभग 100 लोग से भी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे मिलेंगे, और उनसे बातचीत करने में डेफिनेटली लेट हो सकता है। दे वुड सर्टेनली नॉट बी फिनिश बिफोर मिड डे, तो ईदगाह से वापस लौटने का समय दोपहर से पहले नहीं हो पाएगा। एंड अब आते हैं हम बच्चों पर, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ों की एक्साइटमेंट दिखाई गई, अब बच्चे हैं, द बॉयज़ आर मोर एक्साइटेड देन द अदर्स, बच्चे जो हैं वो बड़ों से ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सम ऑफ देम केप्ट ओनली वन फास्ट एंड दैट टू ओनली टिल नून, कोई कोई बच्चे सिर्फ एक दिन का फास्ट रखे हैं, कोई सिर्फ दोपहर तक का ही फास्ट रखा था रमजान मंथ में, सम डिंट एवर डू डैट, और किसी ने तो कोई फास्ट नहीं रखा, लेकिन बट नो वन कैन डिनाई फ्रॉम द जॉय ऑफ गोइंग टू द ईदगाह,
लेकिन ईदगाह, ईद का जो दिन है, ईदगाह जाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। मीन्स फास्ट रखना वो बड़ों का काम है, बच्चों को फास्ट से नहीं मतलब, लेकिन ईदगाह जाने से कोई मना नहीं कर सकता। बच्चे तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, ये फास्टिंग इज़ फॉर ग्रोन अप एंड एज, मतलब जो फास्ट रखने वाले जो चीज़ें हैं वो बड़ों के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं। फॉर द बॉयज इट इज़ ओनली द डे ऑफ ईद, बच्चों के लिए तो ये ईद का दिन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए वो कितने दिनों से वेट करते हैं। दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइम, हर कोई दिन इसी के बारे में बातचीत कर रहा है, और बच्चे भी इसके बारे में कितने दिनों से बात कर रहे थे, कब आएगी ईद, कब आएगी ईद। एट लॉन्ग लास्ट द डे हैज़ कम, और इतना लंबा इंतज़ार के बाद वो दिन आया है जब ये ईद की दिन है, ईद का दिन है। एंड नाउ दे आर इम्पेशेंट विद पीपल फॉर नॉट हरिंग अप, अब वो अधीर हो रहे हैं कि लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं, बड़ों को इतना जल्दी क्यों नहीं है जाने की, क्यों इतना लेट हो रहा है। इम्पेशेंट पिस अधैर्य हो जाना, मतलब धैर्य को छोड़ देना। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि लोग जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं। दे हैव नो कंसर्न विद द थिंग्स दैट हैव बी डन, बच्चों को ये इन सब की चीज़ का मतलब नहीं है कि क्या चीज़ें घर में हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, हाउस होल्ड वर्क हो पाए या नहीं, ये सब चीज़ों का उन्हें टेंशन नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड वेदर और नॉट देर इज़ एनफ मिल्क और शुगर फॉर द वर्मिसली पुडिंग, मतलब सिवई बनने के लिए घर में दूध है शुगर है या नहीं, इन सब की चिंता करना बड़ों का काम है, बट बच्चे सिर्फ इसे चाव से सिवई खाएंगे, उनका उन्हें इसका वेट है। ऑल दे वॉन्ट टू ईट द पुडिंग, सभी पुडिंग खाना चाहते हैं। देयर पॉकेट्स बुल विथ कॉइंस, और वो अपने पॉकेट को देखते हैं, उनके पॉकेट्स जो हैं वो चमक रहे हैं, भरे हुए हैं सिक्कों से, जो उन्होंने अपने गुल्लक में डाल डाल के फैमिली मेम्बर से ले लेकर जो बचा के रखा है उस मेले में जाने के लिए, उससे उनका जो पॉकेट है वो भरा हुआ है। द स्टमक ऑफ द पॉट विल्ड कुबेरा, मीन्स ऐसा लग रहा है कि आज ये बच्चे जो हैं कुबेर, मतलब चूँकि धन के जो देवता माने जाते हैं कुबेर देवता, तो ऐसा लगता है कि आज कुबेर देवता की कृपा हो गई है बच्चों पर और इन बच्चों के पास ही वो आ गए हैं। कुबेर इज़ अ हिंदू गॉड ऑफ वेल्थ, मतलब हिंदू धर्म में देवताओं के धन के देवता कुबेर हैं। ओके, दे आर फॉर एवर टॉकिंग द ट्रीजर्स आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, काउंटिंग एंड री काउंटिंग इट बिफोर पुटिंग इट बैक, बच्चे बार बार एक्साइटमेंट में हमेशा अपने पैसों की बात कर रहे हैं, अपनी इस बहुमूल्य ट्रिजमिस खजानों की बात कर रहे हैं, अपने पॉकेट से पैसों को निकालते हैं, कॉइन्स को निकालते हैं, काउंट करते हैं, फिर काउंट करते हैं, फिर रख लेते हैं। हर कोई बच्चे आपस में ग्रुप बनाकर अपने पैसों को एक दूसरे को शो कर रहे हैं। एंड अब आते हैं बच्चे पे महमूद काउंट करता है, 1, 2, 10, 12, मतलब में 1 coin, 2 coin, 10, 12, इतने तक की वो काउंटिंग करता है। ही हैज़ 12 पीस, उसके पास 12 कॉइन्स हैं। मोहसिन काउंट करता है, 1, 2, 3, 8, 9, 15 पीस, उसके पास 15 पीस है। आउट ऑफ दिस काउंटलेस होर्ड दे विल बाय काउंटलेस थिंग्स, इतनी जो काउंट मतलब अनगिनत इन्होंने जो कॉइन्स बच्चे रख रखे हैं, इससे वो काउंटलेस चीज़ों को भी खरीदेंगे, जो गिन ना सके इतना ज़्यादा चीज़ वो खरीदेंगे। इसकी भी गिनती उनके पास है कि वो क्या क्या खरीदेंगे, टॉयज, स्वीट्स, पेपर पाइप, रबर बॉल एंड मच एल्स, इससे भी और भी ज़्यादा चीज़ें वो खरीदेंगे। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, हाउ आर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रोन अप्स डिफरेंस फ्रॉम दस ऑफ द बॉय, आप क्या सोचते हैं कि बच्चों की अपेक्षा बड़ों की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। बड़े जो हैं वो घर की चीज़ों की तैयारियां कर रहे हैं, घर में क्या है क्या नहीं है, अगर पुडिंग बनना है तो पुडिंग के लिए सारे मटेरियल्स हैं या नहीं। लेकिन बच्चों की तैयारियां क्या है, बच्चे अपने कॉइन्स देख रहे हैं, हम क्या खरीदेंगे, कितने पैसों से क्या मिलेगा, कब हम लोग चलेंगे, है ना, तो उनकी तैयारियां कुछ अलग हैं। द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉय इज हामिद, उन सब में सबसे ज़्यादा खुश बच्चा कौन है, वो है हामिद। ही इज़ ओनली फोर, पुअरली ड्रेस्ड, वो क्या है, सिर्फ 4 ईयर का है, पुअरली ड्रेस मतलब
अच्छे कपड़े नहीं पहना है, थिन पतला है एंड फेमिस्ट, फेमिस्ट लुकिंग मतलब कह सकते हैं कि उसके चेहरे पे एक थोड़ी येलो है, मतलब कमज़ोर दिखने वाला है। हिज फादर डाइड एट द ईयर ऑफ कोलेरा, मतलब कोलेरा की वजह से, कोलेरा इज़ अ डिजीज़, कोलेरा की वजह से उसको उसके फादर की डेथ हो चुकी है। एंड देन हिज मदर वास्टेड अवे, उसके बाद उसकी माँ भी, मतलब उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी है। विदाउट एनी वन फाइंडिंग आउट वाट हैड एल्ड हर, सी आल्सो डाइड, मतलब उसके उसके बाद हामिद के फादर के पास उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई, तो वह भी मर जाती है। नाउ हामिद स्लीप्स इन जर्मनी, सॉरी ग्रैनी अमीनाज लैप। अब किसकी गोद में हामिद सोए? अब हामिद अपनी ग्रैनी, अपनी ग्रैंड माँ अमीना की गोद में सोता है, मीन्स उसका एकमात्र सहारा उसकी दादी माँ है। एंड इज़ एज हैप्पी एज लार्क, वो इतना ज़्यादा हैप्पी है जितना कि स्काईलार्क जो एक पक्षी है, जितना हैप्पी वो दिखता है एस उतना ही हैप्पी यहाँ पर हामिद है, जिसको सारी खुशियाँ उसको उसकी माँ ग्रैंड माँ अमीना की गोद में मिल जाती हैं। सी टेल्स हिम दैट हिज फादर हैज़ गॉन टू अर्न मनी एंड विल रिटर्न विद सैक लोड्स ऑफ सिल्वर। अमीना जिसकी दादी माँ हैं, बच्चे हामिद को क्या हमेशा समझाया करती हैं, उसके फादर जो हैं वो बाहर गए हैं पैसे कमाने के लिए, और वो जल्दी ही एक बोरे भरकर पैसा कमा कर लाएंगे, सिल्वर कॉइन्स लाएंगे, और हामिद को यही उम्मीद है कि वन डे हिज फादर वुड रिटर्न, उसका फादर उसके पास आ जाएगा। एंड दैट इज़ मदर हैज़ गॉन टू अल्लाह, और वो उस अमीना दादी ने क्या बता रखा है कि उसकी माँ जो है वो अल्लाह के पास चली गई है टू गेट लवली गिफ्ट फॉर हिम, बच्चे के लिए हामिद के लिए अच्छा सा गिफ्ट लाने के लिए। दिस मेक हामिद वेरी हैप्पी, और यही उम्मीद यही उल्लास हामिद को बहुत ज़्यादा हैप्पी कर रखा है, यही सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश है। दिस मेक हामिद वेरी हैप्पी, इट इज़ ग्रेट टू लिव ऑन होप, कितना महान होता है, कितना अच्छा लगता है जब हमारे पास कोई उम्मीद होती है, और हम उम्मीद के बल पर जब हम खुश रहते हैं तो कितना ग्रेट होता है। फॉर अ चाइल्ड, और एक बच्चे के लिए देर इज़ नथिंग लाइक होप, इस उम्मीद के सिवा और कुछ भी नहीं है। अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन कैन टर्न अ मस्टर्ड सीड इन टू अ, जब वो इसको ये पता चलता है उसकी जो उम्मीद है वो बदल जाती है एक सरसों के दाने जैसा, मतलब कम हो जाता है जब उसे पता चलता है, जब वो माउंटेन तक जाता है। हामिद हैज़ नो शूज ऑन हिज फीट, उसके पास उसके पैरों में कोई भी शूज नहीं है, मीन्स वो बेयर फूट है, एंड उसके पास कैप भी नहीं है ऑन हिज हेड, उसके सिर पर कैप नहीं है। इस स्वेल्ड एंड हेड इज स्वेल्ड एंड टैटर्ड, मतलब कोई नया कैप नहीं है, उसकी जो कैप है वो क्या है, मिट्टी से लगी हुई है, गंदा है, एंड टैटर्ड मीन्स फटा हुआ है। तो इस तरीके से इट्स गोल्ड थ्रेड हैज़ टर्न्ड ब्लैक, मतलब उसकी कैप में जो सुनहले कलर की जो धागे लगे हुए हैं वो काले हो गए हैं। नेवर्थलेस हामिद इज़ हैप्पी, फिर भी हामिद जो है वो हैप्पी है। ही नोज दैट व्हेन हिज फादर कम्स बैक विद सैक्स फुल ऑफ सिल्वर एंड हिज मदर विद गिफ्ट्स फ्रॉम अल्लाह, ही विल बी एबल टू फुलफिल ऑल हिज हर्ट डिजायर। उसको इस बात का उम्मीद है कि जब उसके फादर लौटेंगे, जो कि बाहर मनी अर्न करने के लिए गए हुए हैं, वो जब वापस आएंगे एक्सपोरे भर सिल्वर कॉइन्स लेकर, और उसकी माँ जब अल्लाह के पास से वापस आएगी तो वो अपने मन की, अपने हृदय की सारी इच्छाएँ पूरी कर लेगा। इस छोटे से बच्चे के हृदय में कितनी उम्मीद है, कितनी आशा की किरण है। अल्लाह ही विल बी एबल टू फुलफिल ऑल हिज हार्ट्स डिजायर, उसके हृदय की सारी चिंताएँ, सारी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएंगी उसको इसी बात की। देन ही विल हैव मोर देन महमूद, उसके बाद वो सोचता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, महमूद से भी ज़्यादा, मोहसिन से भी ज़्यादा, नूरी एंड सैमी से भी ज़्यादा पैसे उसके पास होंगे, और ज़्यादा चीज़ें उसके पास होंगी, इसी उम्मीद में वो जीता है।
एंड इन हर होवेल, होवेल मीन्स कह सकते हैं उसका जो स्मॉल हट है उसकी, उसकी अमीना की छोटी सी झोपड़ी में, इन हर होवेल अनफॉर्चुनेट अमीना सेट्स विटर टीयर, बच्चे की इस उम्मीद को देखकर वो अपने इस दुर्भाग्य पर, अनफॉर्चुनेटली इस दुर्भाग्य पर वो आंसू बहाती है। इट इज़ ईद, वो सोचती है ये ईद है, एंड सी डज नॉट हैव इवन अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन, और उसके घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। ओनली इफ़ हर एविड वर देयर इट वुड हैव बीन डिफरेंट काइंड ऑफ ईद, उसके मन में यही लगता है कि इसके लिए ये तो सबसे अलग तरीके का ईद है, क्योंकि उसके पास तो मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है कि वो क्या पकाएं, खाना क्या बनाएं। हामिद गोज टू हिज ग्रैंडमदर एंड सेज, ग्रैनी डोंट यू फ्रेट ओवर मी। हामिद अपनी ग्रैंडमा के पास जाता है, वो समझाता है, ग्रैंडमा आप मेरे लिए फ्रेट मिस उदास होना, मेरे लिए चिंता मत करो, आई विल द फर्स्ट टू गो बैक, डोंट वरी, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा, मेरे लिए अब चिंता मत करो, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा, मैं लेट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अमीना इज सैड, अमीना जो है वो बहुत ही सैड है। वाई शी सैड, अदर बॉयज आर गोइंग आउट विद देयर फादर्स, क्योंकि और बच्चे जो हैं वो अपने फादर के साथ जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं। सी द ओनली फादर, सी द ओनली फादर हामिद हैज, अब अमीना जो है वो हामिद का, हामिद के लिए ही उसकी उसका फादर है और उसकी मदर भी है। हाउ कैन सी लेट हिम टू गो टू द फेयर ऑल बाय एलोन, वो उसको अकेले अकेले उसको ईदगाह में कैसे जाने दे। माँ का जो दिल है, ग्रैंड माँ का जो मन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है हामिद के लिए। एंड वाट इफ़ ही गेट्स लॉस इन द क्राउड, क्या होगा, वो माँ, ग्रैंड माँ सोचती अपने मन में, कई सारे उनके मन में सवाल आते हैं, चिंताएँ आती हैं, तो कई सारे इनके मन में चिंताएँ रहती हैं, वो कैसे अकेले अपने बच्चे को छोड़ दे, कहीं वो भीड़ में खो ना जाए। नो सी मस्ट नॉट लॉस हर प्रीसियस लिटिल सोल, इतना बहुमूल्य छोटे आज छोटे से बच्चे को अपने, जो कि सब उसके लिए सबसे बड़ा खजाना है, वो उसको खो नहीं सकती। हाउ कैन ही वॉक 3 miles, फिर माँ चिंता करती हैं कैसे वो 3 miles वो अपने पैरों पे चल के वो कैसे जाएगा, इतना छोटा सा बच्चा। ही डजेंट इवन हैव अ पेयर ऑफ शूज, उसके पास तो एक जोड़े शूज भी नहीं है, वो नंगे पैर से वो कैसे चलेगा। ही विल गेट ब्लिस्टर्ड ऑन हिज फीट, ब्लिस्टर्ड मीन्स कह सकते हैं फोड़े, छाले पड़ जाना, तो वो नंगे पैरों से जाएगा, चलेगा तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इफ सी वेंट अलोंग विद हिम सी कुड पिक हिम अप नाउ एंड देन, अगर वो उसके साथ जा सकती तो वो उसको अपनी गोद में उठा सकती थी, जिससे कोई भी चीज़ें उसको चुभे ना। बट देन हु वुड बी देयर टू कुक वर्मीसिली, लेकिन अगर वो चली जाती है तो घर में उसके लिए सुई कौन बनाएगा, ये बात वो अपने मन में सोचती है। इफ़ ओनली सी हैड द मनी सी कुड हैव बॉट द इन्ग्रीडियंट्स ऑन द वे बैक एंड क्विकली मेड द पुडिंग, और अगर उसके पास पैसे होते तो वो उस पुडिंग को बनाने में जो इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं वो रास्ते में, जब वो मेले के रास्ते से लौटती तो वो चीज़ें उसके लिए वो ले आती, तो वो भी उसके पास नहीं है। इन द विलेज इट वुड टेक हर मेनी आवर्स टू गेट एवरीथिंग, और गाँव में यहाँ घर पे रहकर उसको सारी चीज़ें अरेंज करने में बहुत घंटे लग जाएंगे। द ओनली वे आउट वॉज टू आस्क समवन फॉर देम, तो इसलिए ग्रैंडमा नहीं जा सकती, एक यही तरीका है कि मैं किसी को समझा दूँ जो हमारे हामिद का ध्यान रखेगा, तो वो अकेला होगा तो उसका वो ध्यान रखे, इसके लिए मैं वो किसी को समझा दे, किसी को सौंप दे। द विलेजर्स लिव इन वन पार्टी, विलेजर्स जो हैं वो एक ग्रुप में जाएंगे, विद द बॉयज इज हामिद, और बॉय बच्चों के साथ हामिद है। दे रन ऑन द अहेड ऑफ द एल्डर्स, वो एल्डर्स के जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे जो हैं ग्रुप में बड़ों के आगे आगे चलेंगे। एंड वेट फॉर देम अंडर अ ट्री, और वो एक ट्री के नीचे बड़ों का वेट करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो तेज़ी से भागेंगे और जल्दी से जाके वो किसी ट्री के नीचे रुक कर बड़ों का वेट करेंगे, बड़े जो हैं वो धीरे धीरे चलेंगे। वाई डू द
ओल्डीज ड्रैग देयर फीट, मतलब बच्चे सोचते हैं क्या बड़े लोग जो हैं वो अपने पैरों को थोड़ा जल्दी क्यों नहीं चलाते. एंड हामिद इज लाइक वन विद विंग्स ऑन हिज फीट. हामिद क्या है, हामिद के पैरों में तो पंख लगा हुआ है, वो और भी ज़्यादा जल्दी चल रहा है, वो कैसे थक सकता है, वो थकेगा नहीं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हम भी एंड करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टोरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. ओके, आई थिंक आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी. आप लोग भी एक्साइटेड होंगे कि हामिद मेले में जाता है, वो क्या चीज़ें खरीदता है, क्या लाता है. ओके, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में. ओके, आज का सेशन एंड करते हैं. गुड बाय, टेक केयर एवरीवन.